जय श्री राम दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल दामोदर में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाहे आपका फोन 12 GB रैम का क्यों ना हो, 14 GB, 8 GB रैम का क्यों ना हो दोस्तों, 6 GB रैम का क्यों ना हो, या फिर 4 GB या फिर 2 GB रैम का क्यों ना हो, तो दोस्तों आपका फोन भी होता है हैंग। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके सारे फोन में होने वाले हैंग होने की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो को मैंने स्किप किया एंड तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो में लाइव प्रूफ करके बताने वाला हूं कि कैसे किस हर कोई फोन, हमारे यदि दोस्तों फोन तो 2 GB का या फिर 4 GB का या फिर 6 GB का वाला हैंग होना चाहिए, पर दोस्तों हमारा फोन तो 12 GB रैम का है तो भी वो हैंग किस कारण से होता है, तो दोस्तों वीडियो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। इस कारण मैं कारण फिर इस वीडियो में साथ में बताऊंगा, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको 3 प्रो टिप्स भी दूंगा लाइव प्रूव करके, जिससे दोस्तों आपको पता चल सके कि आप कैसे अपने हैंग होने वाले फोन स्मार्टफोन को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों बिना देरी के चलते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे स्मार्टफोन हैंगिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा ये आता है, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मतलब स्मार्टफोन हैंग किस कारण से होता है। तो दोस्तों 4 से 5 धमाकेदार कारण बताने वाला हूँ जो दोस्तों आपको पता ही होंगे। तो दोस्तों सबसे पहला कारण है हमारे स्मार्टफोन का समय पर अपडेट ना रहना। तो दोस्तों ये समय पर अपडेट क्या नहीं होना वो दोस्तों आपको नहीं पता, तो दोस्तों वीडियो पूरा देख लेना, सभी बातें बता दूंगा, लाइव प्रूफ करके बताऊंगा कि आप अपने फोन को अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बहुत ही आपको मजा आने वाला है। तो दोस्तों पहला कारण तो आपको पता चल जाएगा कि समय पर अपडेट नहीं करना। और दोस्तों समय पर अपडेट कैसे, क्योंकि दोस्तों नई हमारे जो मान लो कि आपके पास रेडमी का स्मार्टफोन है, तो दोस्तों रेडमी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी समय समय पर उसके स्मार्टफोन में बग ना आ जाए इसके लिए वो नए अपडेट जारी करती रहती है। तो दोस्तों उसके लिए आपको भी समय समय पर अपने स्मार्टफोन को अपडेट करते रहना चाहिए। अपडेट कैसे करते हैं वीडियो आके वीडियो गाइड में सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं आज के हमारी दूसरे कारण की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा कारण हो सकता है ज्यादा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, बिना काम की एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करके रख लेना और दोस्तों उन्हें कभी भी यूज नहीं करना। जैसे कि दोस्तों बड़े बड़े आपके पास तो टाइम नहीं है इतना कि आप फ्री फायर खेल सको, पबजी खेल सको, पर तो भी दोस्तों आपने अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर और पबजी को मतलब अपने फोन में इंस्टॉल करके रखा। तो दोस्तों यदि आप उन्हें अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते तो दोस्तों वीडियो में मैं आपको एक प्रो टिप्स बताने वाला हूँ आज की तरफ, यानी यह तो अभी कारण चल रहे। तो दोस्तों वीडियो के आगे मैं आपको इनके सोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को सोल्यूशन तक जरूर देखें। और दोस्तों इसका क्या सोल्यूशन होने वाला है कि ज्यादा अपने फोन में इंस्टॉल कर ले तो दोस्तों उसे कैसे हम मतलब ठीक कर सकते हैं अपने हैंगिंग होने वाले प्रॉब्लम को। तो दोस्तों वीडियो के आगे सभी बातें आपको सॉल्यूशन के रूप में देखने को मिलने वाली, ये तो प्रॉब्लम के रूप में आपको मैं बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों तीसरा कारण हमारा ये हो सकता है कि हमें समय समय पर अपने स्मार्टफोन को अपडेट नहीं करते, साथ ही साथ दोस्तों हमें अब कैसे हम अपने स्मार्टफोन को मतलब क्लियर कैच कर सकते हैं। तो दोस्तों क्लियर कैच भी करना आपको समय समय पर जरूरी है। तो दोस्तों क्लियर कैच करना आपको अपने एप्स के लिए भी जरूरी है और दोस्तों अपने स्मार्टफोन के लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों क्लियर कैच कैसे किया जाता है वीडियो के आगे बात करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। अब दोस्तों चलते हैं आज के हमारे चौथे सबसे बड़े कारण के लिए। तो दोस्तों हमारा चौथा कारण होता है अपने ऐप मतलब अपने एप्स को क्लियर करना, यानी अपने एप्स में होने वाले मतलब एप्स को बार बार अपडेट करना। तो दोस्तों एप्स को कैसे अपडेट किया जाता है और दोस्तों एक साथ अब मैं कैसे पता चलेगा हमारा ऐप अपडेट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला, तो दोस्तों दो तरीके बताऊंगा ऐप को अपडेट करने के, या फिर ऐप को अपडेट कैसे करते हैं या फिर ऐप को अपडेट कब किया जाता है उसका पता लगाने के लिए। तो दोस्तों दो कारण बताऊंगा वीडियो का आगे चलते हैं चलने के बाद। तो दोस्तों प्रॉब्लम बहुत सारी है, तो दोस्तों आपको पता होगा मुझे पता होगा कितने सारे प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों हमें अपने फोन को हैंग होता है वह देखना पड़ रहा है। पर दोस्तों बात कर लेते हैं इनके सॉल्यूशन के बारे में कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस हमारे स्मार्टफोन को हैंगिंग प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला कारण होता है अपडेट करने के लिए। तो दोस्तों अपडेट कैसे किया जाता है फोन को, तो दोस्तों ये वाला वीडियो देख लीजिए पूरा पता चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फोन को अपडेट करने के लिए और दोस्तों एप्लीकेशन को कैसे अपडेट किया जाए तो उससे सीख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग्स का आइकन दिख रहा होगा, सेटिंग्स के आइकन पर आपको जस्ट क्लिक करना। तो दोस्तों जैसे ही आप सेटिंग्स के आइकन पर आप क्लिक करते हो तो दोस्तों आपके सामने सबसे ऊपर अबाउट फोन एंड सिस्टम ऐप अपडेटर के नाम से दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये ऑप्शन नजर नहीं आते तो दोस्तों आप ऊपर सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं सेटिंग्स के नाम पर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अबाउट फोन में ले जाकर बताता हूँ कि कैसे अपने सिस्टम को अपडेट किया जाता है, यानी कि अपने स्मार्टफोन को
अपडेट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर सिस्टम अपडेट नाम से एक नाम दिया गया, उस नाम पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे मैं आपको सिस्टम अपडेट पर लेकर जाता हूँ, तो दोस्तों मेरा अभी मेरा खुद का स्मार्टफोन यानी कैनोट स्मार्टफोन, मतलब मेरा स्मार्टफोन यानी रेडमी 8 ड्यूल खुद का स्मार्टफोन अभी अपडेट मांग रहा है। तो दोस्तों आप नीचे देख सकते हो चेक की फॉर अपडेट्स यहाँ पर नाम लिखा, और दोस्तों यहाँ पर यह इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि दोस्तों ना ही मेरा अभी नेटवर्क में ना ही मेरा वाईफाई लगा हुआ है और दोस्तों ना ही मेरा खुद का नेटवर्क चालू है। तो दोस्तों इसके लिए मैं खुद आपको अभी अपडेट करके नहीं बता सकता। और दोस्तों आप कैसे अपडेट कर सकते हो, तो दोस्तों आप अपडेट करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर अपडेट वाले आइकन आपके सामने आ जाएगा यदि आपका इंटरनेट ऑन होगा या फिर आपके पास वाईफाई का सपोर्ट होगा। तो दोस्तों आपके सामने ऐसा अपडेट का नजर आ जाएगा, सामने इंटरफेस नजर आएगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप अपडेट आसानी से कर सकते हो अपने स्मार्टफोन को। तो दोस्तों अब चलते हैं आज के हमारे दूसरे मतलब तरीके की तरफ कि हम अपने स्मार्टफोन को कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा स्मार्ट एप्लीकेशन अभी अपडेट मांग रहा है या फिर नहीं मांग रहा है। तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने पास इंटरनेट का ऑन रहना होगा, डाटा सबसे पहले आपको डाटा ऑन कर लेना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे देख सकते हो ऊपर सिस्टम ऐप अपडेटर के नाम से कुछ आपको नोटिफिकेशन या फिर इंटरफेस देखने को नजर आ रहा है, उस इंटरफेस के ऊपर आपको जैसे क्लिक करते हो तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर लिखा होता है अदर एप्लीकेशन एंड दोस्तों अपडेट हिस्ट्री। तो दोस्तों आपको अपडेट हिस्ट्री बताऊं तो दोस्तों मैंने दोस्तों आप देख सकते हो नीचे मैंने इतने सारे एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में अभी कुछ ही दिनों पहले अपडेट करके रखे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने खुद अपने एप्लीकेशन इतने सारे अपडेट कर रखे जिससे दोस्तों मेरा अब फिलहाल के लिए तो फ़ोन हैंग होना अभी कम हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास इतने सारे एप्लीकेशन हैं जो दोस्तों और अपडेट मांग रहे हैं, और दोस्तों अपडेट हिस्ट्री भी आप देख सकते हो जिसमें से दोस्तों एक MI नोट भी है। तो दोस्तों आप अपने फ़ोन को कैसे अपडेट कर सकते हो, साथ ही साथ अपने एप्लीकेशन को कैसे अपडेट कर सकते हो, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि क्लियर कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो में अपनी राय जरूर बताएं। तो जैसा कि दोस्तों आपने पिछली स्क्रीन रिकॉर्डर पर देखा कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन को अपडेट कर सकते हैं, साथ ही साथ दो तरीके मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन कब अपडेट होना चाहता है वो हमें कब पता चलता है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि कब आपको एप्लीकेशन अपडेट होने का पता चलता है। तो दोस्तों दो कारण मैंने एप्लीकेशन के द्वारा मतलब एप्लीकेशन को कैसे अपडेट किया जाता है वो बता दिया, दूसरा कारण मैंने आपको बता दिया कि अपने स्मार्टफोन को अपडेट कैसे किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी बार बार नए नए स्मार्टफोन को अपडेट करती रहती है, इसके लिए आपको आपके स्मार्टफोन में बग ना जाए इसके लिए आपको बार बार अपडेट देती रहती है। तो दोस्तों आपको भी समय समय पर अपडेट देना चाहिए अपने स्मार्टफोन को। तो दोस्तों अब चलते हैं दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा सॉल्यूशन आने वाला है क्लियर कैसे करें। तो दोस्तों क्लियर कैसे किया जाता है ये वाली वीडियो देख लो, सभी बातें पता चल जाएगी। तो दोस्तों ये वाली वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों अब जानते हैं कि अपने फ़ोन के स्टोरेज यानी फ़ोन डिवाइस को कैसे क्लियर कैसे किया जाता है, साथ ही साथ अपनी एप्लीकेशन को क्लियर कैसे मेमोरी कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वो मैं आपको इस छोटे से लाइव प्रूफ करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मान लो कि आपको किसी एप्लीकेशन का क्लियर कैसे करना है। तो दोस्तों मान लो कि इस एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दोस्तों फ्री फायर एप्लीकेशन दिख रहा होगा, इस फ्री फायर का आपको दोस्तों क्लियर कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस फ्री फायर को दोस्तों सबसे पहले आपको फ्री फायर पर लॉन्ग प्रेस करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप फ्री फायर पर लॉन्ग प्रेस करते हो तो दोस्तों आपके सामने तीन इंटरफेस नजर आ जाता है। तो दोस्तों आपको बताते हैं शेयर ऐप इन्फॉर्मेशन एंड दोस्तों अनइंस्टॉल का। तो दोस्तों आपको शेयर एंड अनइंस्टॉल को रहने देना है और दोस्तों ऐप इन्फॉर्मेशन पर जाना होगा। और दोस्तों ऐप इन्फॉर्मेशन जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे आपको क्लियर डाटा यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है और दोस्तों नीचे अनइंस्टॉल और दोस्तों आपको सामने एक और ऑप्शन नजर आ रहा है फोर्स स्टॉप का। फोर्स स्टॉप का हमारा अगला स्टेप है। तो दोस्तों उस स्टॉप में हम जानेंगे फोर्स स्टॉप कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अब आपको क्लियर कैसे करना है, तो दोस्तों एप्लीकेशन का क्लियर कैसे यहां पर देख रहा होगा दोस्तों ऊपर आपको यहां पर, और दोस्तों फिर आपको नीचे क्लियर कैसे दिया होगा और दोस्तों क्लियर ऑल डाटा दिया होगा। तो दोस्तों क्लियर ऑल डाटा तो दोस्तों इमरजेंसी आए तभी करना, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से आपका पूरा एप्लीकेशन एकदम नया तरीके से चालू हो जाएगा, यानी कि जैसे ही आप प्ले स्टोर पर नया एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करते हो उस तरीके का आपका क्लियर ऑल डाटा करने पर हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको ओनली फॉर क्लियर कैस ही करना है तो दोस्तों आप क्लियर कैस करने से भी दोस्तों आपका फोन में बहुत सारा फर्क पड़ने लगेगा। तो दोस्तों अब चलते थे क्लियर कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप दोस्तों ऊपर देख सकते हो तो हमारा यहाँ पर स्टोरेज 0.91 GB है। तो दोस्तों अब क्लियर कैसे करने के बाद कितना हो जाता है तो दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं जैसे ही क्लियर कैसे के लिए ओके दबाता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो 0.90 GB हो गया, यानी 1 GB कम हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना फर्क पड़ता है एक एप्लीकेशन को क्लियर कैसे करने पर। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि हम अपनी फ़ोन डिवाइस को क्लियर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपको फिर से वापस अबाउट फोन में जाना होगा। तो दोस्तों यहाँ ऊपर देख सकते हो अबाउट फोन, यहाँ पर आप दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप अबाउट फोन पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आपको दोस्तों स्टोरेज का ऑप्शन नजर आ रहा है, उस इस स्टोरेज वाले आइकन पर दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप स्टोरेज
वाले आइकन पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आपके सामने कैच डाटा नाम से एक डाटा दिया गया होगा। उस डाटा पर आपको लॉन्ग प्रेस सॉरी दोस्तों एक बार प्रेस करना, जिससे दोस्तों ये एक नया ऑप्शन निकल आएगा जिस जहाँ पर लिखा होगा क्लियर कैच डाटा, दिस विल क्लियर कैच डाटा फॉर ऑल एप्स। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर ओके ऐप वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, जिससे दोस्तों आपका स्मार्टफोन वाला क्लियर का कैच डाटा भी डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे मेमोरी कैसे डिलीट की जाती है वो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब दोस्तों अगली स्टेप में बात करेंगे हम ऐप को फोर्स स्टॉप कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये वाला वीडियो कैसे लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस पिछली स्क्रीन रिकॉर्डर में मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपनी एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन आप यूज नहीं करते हो, मान लो कि वो पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, आप उसे कभी कभार ही खेलते हो, तो दोस्तों उसका क्लियर कैसे आप कैसे डिलीट कर सकते हो, मतलब क्लियर कर सकते हो, वो आपने पिछले वीडियो में जाना। अब दोस्तों जानते हैं कि हम किसी एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम मान लो हमने अपने स्मार्टफोन में बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखे हैं और दोस्तों वो एप्लीकेशन हमें कभी कभार यूज में लेने पड़ते हैं, तो दोस्तों उन एप्लीकेशन के लिए हम कैसे मतलब उन एप्लीकेशन को छुटकारा पाने के लिए कैसे कर सकते हैं जिसके वजह से हमारे स्मार्टफोन कम हैंग हो, तो दोस्तों उसके लिए आपको उस एप्लीकेशन का फोर्स स्टॉप करना होगा। तो दोस्तों फोर्स स्टॉप कैसे किया जाता है ये वाली वीडियो देख लो, सभी बातें पता चल जाएगी। तो दोस्तों अब इस वीडियो में हम जानेंगे किसी ऐप का फोर्स स्टॉप कैसे किया जाता है लाइव प्रूफ करके इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मान लो कि हमें इस फ्री फायर का ही क्लियर कैच या फिर फोर्स स्टॉप करना है, तो दोस्तों उसके लिए हमें इस फ्री फायर पर लॉन्ग प्रेस करना होगा। तो दोस्तों फ्री फायर पर जैसे ही हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने तीन ऑप्शन नजर आते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है शेयर का, दूसरा ऑप्शन है ऐप इन्फॉर्मेशन का, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अनइंस्टॉल का। तो दोस्तों अनइंस्टॉल करने से हमारा एप्लीकेशन सीधा डिलीट हो जाएगा, तो दोस्तों हमें ऐप इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही हम ऐप इंफॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ फोर्स स्टॉप नीचे की तरफ फोर्स स्टॉप का ऑप्शन नजर आ रहा था, उस फोर्स स्टॉप पर आपको क्लिक करना होगा। जिससे दोस्तों मैं फोर्स स्टॉप पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों ये हमारा फोर्स स्टॉप हो गया, फिर दोस्तों ये बार बार क्लिक नहीं होगा। और दोस्तों यदि आपको ये फोर्स स्टॉप वाला क्लिक ऑप्शन नजर नहीं आता तो दोस्तों ये तभी नजर आता जब दोस्तों आपने ये एप्लीकेशन को पहले ऑन किया होगा, फिर दोस्तों ऑन करते इसे मेन इंटरफेस से नहीं हटाया, यानी यहाँ से नहीं हटाएगा हटाया तब तक दोस्तों ये फोर्स स्टॉप होगा, तब दोस्तों हटाने के बाद ये फोर्स स्टॉप नहीं होगा। तो दोस्तों फोर्स किसी भी एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप कैसे किया जाता है वो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में लाइव प्रूव करके बताया। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसे लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको तीन ऐसे कारण और दोस्तों तीन से चार ऐसे कारण बताए, साथ ही साथ तीन से चार ऐसे सॉल्यूशन भी बताए। तो दोस्तों आपको यदि आप अपने स्मार्टफोन में करते हो तो दोस्तों आपके स्मार्टफोन पूरी तरीके से नहीं दोस्तों 50-80% तो इतना स्मूथनेस हो जाएगा, तो दोस्तों आपको एक बार तो हैंग होना भूल ही जाऊंगा। और दोस्तों यदि आपका बार बार समस्या हैंग होने की समस्या आती है तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके फोन को पूरा रीसेट कैसे किया जाता है वो भी बता दूंगा, साथ ही साथ अपने फोन को थोड़े समय के लिए रीस्टार्ट कैसे किया जाता है वो भी आपके लिए अलग से वीडियो बना कर ले आऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो दोनों वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आज का वीडियो कैसे लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे हम उस वीडियो को अपलोड करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।